यवतमाल वाशिम जिले की सांसद भावना गवली पिछले डेढ़ साल से निर्वाचन क्षेत्र को भेंट नहीं दे रही थी, लेकिन शनिवार 13 अगस्त को वो निर्वाचन क्षेत्र में भेंट देने जाने वाली थी। उनका विरोध करने के लिए शिवसेना महिला आघाड़ी कार्यकर्ता और शिव सैनिक बड़ी संख्या में दत्त चौक पर एकत्र हुए थे। इस मौके पर भावना गवली के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी की गई, वही भावना गवली की प्रतिमा को भी चप्पलों से मारा गया। शिव सैनिकों का आरोप है कि भावना गवली ने ईडी के डर से शिंदे समूह में प्रवेश किया। कुछ दिन पहले ईडी ने 100 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में भावना गवली को नोटिस दिया था। इस मामले में उनके करीबी रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया था। तब से भावना गवली के बारे में कहा जाता है कि वो भूमिगत हो गई थी, लेकिन कहा जाता है कि शिंदे के ग्रुप में शामिल होने के बाद वो आगे आई। भावना गवली 2004 में पहली बार सांसद चुनी गई थी, बाद के सभी चुनाव उन्होंने जीते। ये उनका चौथा कार्यकाल है। वो लोकसभा में शिवसेना के प्रतिनिधि थी, लेकिन जब शिंदे समूह में शामिल हुए तो शिवसेना ने उन्हें इस पद से हटा दिया। आवाहन करत आहे, यानंतर शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो त्यांच्या बॅनरवर दिसता कामा नये। जर याच्या समोर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो त्यांनी वापरला तर त्यांचे बॅनर या शहरात लागू दिले जाणार नाही, उतरवल्या जातील। जर तुमच्या हिम्मत असेल तर तुमच्या बापाचे फोटो लावा। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाचा उपयोग करू नका, फोटोचा उपयोग करू नका। शिवसेना यवतमाळ जिल्हा एक खपवून घेणार नाही, कोण अशी तुमची भडवेगिरी चालू देणार नाही, गद्दारी चालू देणार लावतात आणि यांना लाज वाटायला पाहिजे। गद्दारी करतात त्यांच्याच पक्षाची, म्हणजे शिवसेनेशी गद्दारी करून हे शिवसेना प्रमुखांना पटो लावतात, त्यांना काही लाज शरम आहे? अशा लोकांना आम्ही धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि आज आपण पाहता या फोटोवर शिवसेना प्रमुखांचा फोटो या रामधुराने लावला होता। आज शिवसेना प्रमुखांचा फोटो आम्ही आज इथे उतरवलेला आहे। या गद्दार लोकांना या बिलकुल शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो लावण्याचा अधिकार नाही आणि आम्ही हे कपवून घेणार नाही। यवतमाळ जिल्ह्यातली शिवसेना, जिल्ह्यातली महिला आघाडी, युवासेना, आम्ही सर्व लोक आज जाहीर करतो सर्वांच्या साक्षीने। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाळ से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।